यूपी सरकार द्वारा स्वच्छता की लाख वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वह आपके सामने है। संभल नगर पालिका परिषद संभल की देर रात हुई बारिश से नगर पालिका परिषद की पोल खुली। हम आपको बता दें, संभल में तेज बारिश के चलते रास्ते तालाब में तब्दील हो गए। संभल के आसपास ऐसी कोई भी गंगा नहीं है जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनती हो, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए। संभल की तस्वीर है, आपको दिख रहे हैं यह तस्वीरें, आपको बाढ़ जैसी नजर आ रही हैं, जबकि यह तस्वीर है नगर पालिका संभल की, जो रास्तों पर नहरों का पानी जैसा बहता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सरकार के किए गए वादे खोखरा होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वहीं के रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि नालों की साफ सफाई न होने को लेकर पानी का निकास सही न होने के कारण दिक्कत हो जाती है। पूरे संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो कहीं भी ऐसा कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता जो पानी का निकास सही से निकलता हो। बुराईदार गौतम। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? कौन सा मोहल्ला है? शाजीपुरा वार्ड नंबर 1। अच्छा, आज जो बारिश पड़ी है क्या है पूरा? शाजीपुरा भालेवास का बाजारगंज हाथनगर तमाम डूब गया। नगर पालिका की पोल खो गई, तमाम नाले में पानी और घरों में पानी घुस गया और गंदगी बेहिसाब है। और भारत सरकार का स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, नगर पालिका का ये फेल हो गया। सरकार का जो कार्यक्रम है वो फेल कर दिया। कहीं सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी पानी है सब जगह, पुलिया टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है। ये और बाजारगंज और शाजीपुरा और वार्ड नंबर 1 में तो पूरा डूब गया, पूरा पूरा डूबा हुआ सब जो है। कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं। आप बता रहे, घरों में भी पानी घुस गया है? घरों में घुस गया, हमारे घर में घुस गया, देख लो। ये कोई सफाई कर्मी नगर पालिका वगैरह आते नहीं है देखने? सफाई कर्मचारी हमें 50 रुपए मांगे हैं, चलाओ 50 रुपए तो महीना हो गया, एक महीने में 2 बार मांगे हैं, और कोई न सफाई है न कूड़ा उठाते, सब ऐसे चल रहा मामला।